हेलो फ्रेंड्स, मुझे आप लर्निंग इज फन यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। ओडिशा सरकार हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अर्थात उच्च शिक्षा विभाग तरफ प्रतिवर्ष पाखापाखि 24,500 पिला मेधावृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप दि जाए से विषय संपूर्ण बरणी मुझे देवी कि दुईटी कथा कही रखुच्छे। प्रथम कथा होती आपड़ एथार स्थायी बासीदा अर्थात परमानेंट रेसीडेंट होता निहाती दरकार। द्वितीय कथा होती आपंप पेरेन्ट्स अर्थात पितामाता इनकम 6 लाख टंका तलुक होती आपड़ा आवेदन करेंगे। प्रथम आरंभ करवा प्रथम रही है आपंकर जूनियर मेरीट जो 10,000 पिला स्कॉलरशिप दि जाए। वार्षिक स्कॉलरशिप रही है 3,000 टंका 2 वर्ष पर्यटन स्कॉलरशिप दिजाव। जदि आप प्लस टू फर्स्ट ईयर अच्छा तेल ही आप आवेदन करेंगे। एथपाई आपंकर शिक्षागत योग्यता रही है मेट्रिक आप 60% मार्क पास करवा दरकार। बीएससी किंवा सीबीएसई किंवा आईसीएसई जेकोसी बोर्ड आप मेट्रिक पास करते आवेदन करेंगे। किंतु कहार अर्थ होती सीबीएसई किंवा आईसीएसई जो ग्रेडिंग सिस्टम रही है A1 A2 B1 B2 तारी मार्किंग रही A1 रही 95%, A2 रही 85%, B1 75% और B2 रही 65%। द्वितीय रही है आपंकर सीनियर मेरीट जो 3,000 पिला स्कॉलरशिप दि जाए। वार्षिक स्कॉलरशिप रही 5,000 टंका 3 वर्ष पर्यटन स्कॉलरशिप दि जाए। जदि आप बीए किंवा बीएससी किंवा बीकॉम बीबीए बीसीए बीजेएमसी एसबू कोर्स जेकोसी कोर्स जब फर्स्ट ईयर आपड़ पढ़ुन तेल आप आवेदन करेंगे। शिक्षागत योग्यता रही है आप प्लस टू में 60% मार्क पास करवा दरकार। तृतीय रही है पीजी मेरिट जो 1,500 पिला स्कॉलरशिप दि जाए। 10,000 टाँचा स्कॉलरशिप रही है 2 वर्ष पर्यटन स्कॉलरशिप दि जाव। जदि आर्ट्स किंवा कमर्स किंवा साइंस जेकोसी तीन मध्य जेकोसी विभाग में आप पीजी कोर्स करूँ और फर्स्ट ईयर अच्छा आप आवेदन करेंगे। शिक्षागत योग्यता रही है आप प्लस थ्री 60% मार्क ही पास करवा दरकार। एथपाई केवल एमए एमएससी और एमकॉम पिला आवेदन करेंगे। एमफिल और पीएचडी पिला एथपाई आवेदन करेंगे ना। शेष रही है टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्स जो 10,000 पिला स्कॉलरशिप दि जाए। स्कॉलरशिप रही 10,000 टंका। ड्यूरेशन लिखाई है आज पर कोर्स ड्यूरेशन कहीं टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स ड्यूरेशन भिन्न भिन्न था तेनाली मेनसन करना कि जदि आप अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स किंवा टेक्निकल कोर्स करुँच फर्स्ट ईयर अच्छा तेल ही केवल आप आवेदन करेंगे। डिटेल्स मुझे कहीदे कोर्स रही कोर्स गुड़क होती एमबीबीएस बीडीएस इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर वेटनरी साइंस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फॉरेस्ट्री साइंस फिशरी साइंस होम साइंस बी फार्मा बीएससी नर्सिंग बैचलर इन होम्योपैथी बैचलर इन आयुर्वेदिक 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ टूरिज्म होटल एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट बैचलर इन फिजियोथेरापी 5 इयर्स इंटीग्रेटेड एमबीए 5 इयर्स इंटीग्रेटेड एमसीए अदर टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेस एमएफसी जहाँकि मास्टर इन फाइनेंस कंट्रोल 3 इयर्स एमसीए 2 इयर्स एमबीए 2 इयर्स पीजीडीएम यह सब कोर्स गुड़क रही है। किंतु जब आप बीएड किंवा एमएड अथवा आप लैटरल एंट्री इंजीनियरिंग करेंगे आप आवेदन करेंगे ना। तबत ये 24 रकम कहली एम जेकोसी कोर्स फर्स्ट ईयर जब आप अच्छा आप आवेदन करेंगे। शेष कथ रही है आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो सारी जहाँकि आरंभ होती आप 13 सेप्टेम्बर 2018 और शेष हम 14 अक्टोबर 2018। आवेदन संपूर्ण रूप ऑनलाइन हम साइट होती www.medhavruti.org। आवेदन प्रक्रिया आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा पड़े तो मैं रखुच्छे रेसीडेंस सर्टिफिकेट से द्वितीय रही है आप पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट आप मार्कशीट सर्टिफिकेट जेरक्स तार शेष रही है। शेष रही है आप बैंक अकाउंट डिटेल्स ता सहित जो पिला 2017 और 2018 आवेदन करते जूनियर मेरीट सीनियर मेरीट पीजी मेरीट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल से आउ थे आवेदन करा कौन आवश्यकता नहीं। जो आवेदन रही है रिन्यूअल स्कॉलरशिप रूप से जीव तेना आप फ्रेश आउ थे आवेदन करा कौन आवश्यकता नहीं। जदि किसी सन्देह रही है आप टोल फ्री नंबर देखिपे सहित हेल्पलाइन नंबर और मेल आई डी दि जाए ये कंटाक्ट करके आपड़ निजर किसी डाउट अच्छी पचारिपारे दूर करेंगे। जदि आप चाहूँ किपर ए आवेदन करेंगे अर्थात फर्म किपर भर्ती करेंगे से विषय में भिड कैसे आप दया कमेंट सेक्शन में जनातु। आशा करुँ भिडियो आपको भल लगी जदि भिड भल लगी भिडियो को लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करने को आदम भूल इनस्टाग्राम चैनल को फॉलो करूँ। जदि आप ट्विटर अच्छे ट्विटर में चैनल को फॉलो करेंगे कारण आगामी दिन में यह भिडियो आपको नहीं आसुवि। आज ये धन्यवाद।